पहले हमने चिकन बर्गर बनाने के लिए यहाँ पे चिकन लिया, ठीक है। हम उसकी पहले मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेट उसको करने के लिए हमने यहाँ पे पहले लिया है ये योगर्ट, ये सबसे पहले ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये जो बर्गर है ना ये तीन लोगों के लिए है, तो हम तीन बर्गर्स बनाएंगे, तो उतना चिकन था। आपने जितने बनाने हैं ना उस हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और उसके बाद क्या डालना था, उसके बाद वो नमक, ये सारा कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले लेमन डाल दो, ठीक है। उसके बाद ये लेमन जूस इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। और लेमन जूस ऐड करने के बाद स्पाइसेस में ये सबसे पहले सॉल्ट ऐड किया, और इसके अलावा तिक्का मसाला, ये तिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं, और ये है रेड चिली पाउडर। इसके बाद जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। के बाद ये हैं कुछ चिली फ्लेक्स, ये ऐड करेंगे। उसके बाद ये ज़ीरा ऐड करना थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ये कोरिएंडर पाउडर, और ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं, इनको हमें मिक्स करते हैं। अब इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने रखना है मैरिनेट करने के लिए। 30 मिनट्स के लिए रख लेंगे तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को है थोड़ी सी जल्दी अभी। तो ये सारा जो है मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और इसको अब हमने रख देना है साइड पे मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट्स के लिए। चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, तो जब तक वो मैरिनेट हो रहा है मैं फलक को लगाया काम पे। क्या करियो, मैं फ्राइज के लिए जो है ना आलू को, हाँ आलू अभी छील रही है, उसके बाद आलू कट करेगी, उसके बाद फ्राइज बनेगी। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, और लो फ्लेम पे हमने अब चिकन को पकाना है। मैरिनेट हो गया था, और यहाँ पर पैन में डालती हूँ। हाँ, उससे पहले मैंने ये ऑयल डाल दिया है, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। अच्छा, इसमें जो योगर्ट डाला था ना, तो उसी का जो पानी है उसी से जो चिकन है वो टेंडर हो जाएगा अच्छे तरीके से, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पानी डालने की। तो इसको पहले हिलाना है अच्छे तरीके से, और अब मैं इसको ढक दूँगी। तो इसको मैंने कवर कर दिया, और फ्लेम जो है इसकी लो ही है, तो इसको हमने 10 to 15 मिनट्स के लिए कवर करके रखना है। चिकन जो है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो गया सारा। अब मैं ये कर रही हूँ, जो चारकोल होता है ना उसको जला लिया है, और पैन में रख लिया है एक बर्तन, और कोयले को हमने रखना है इसके अंदर, और घी जो होता है उसकी 1-2 ड्रॉप डालनी है, और जो भाप बनती है ना, धुआं होता है, उसको सिर्फ 5-6 सेकंड्स के लिए अंदर रहने देना है ढक के, और फिर हमने ढक्कन उठा लेना है, और इससे चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फलक जो है वो प्राइस का काम कर रही हूँ, उसे प्राइस का काम लगाया। ये आपके लिए। जो चिकन जो है उसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र करती हूँ, और उसके अलावा जो फलक है वो प्राइस बना रही है। बनाओ बेटे काम करो, अच्छी लग रही है। गर्मी लग रही है मुझे बहुत, वो तो लगी कि किचन में खड़ी हुई। तो बर्गर के लिए मैंने सोचा कि मैं सॉस रेडी करती हूँ एक, तो मैं सॉस बनाने लगी हूँ, तो देखते हैं सॉस कैसे बनानी है। अच्छा, तो अब मैं ना सॉस रेडी कर रही हूँ, तो उसके लिए ना सबसे पहले मायोनीज लेना है। 3 टेबलस्पून मायोनीज मैं डाल रही हूँ, और ये हो गए 3 टेबलस्पून। उसके अलावा इसमें मैं दूसरी चीज़ डालूँगी, केचप। केचप जो है वो 2 टेबलस्पून लेनी है, या 1.5 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं, 1.5। यू 1.5 टेबलस्पून केचप डाल दिया है, और अब मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, ये सॉरी चिली सॉस है। ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने चिली सॉस ले ली है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है।
ये जो सॉस है ये अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और सॉस रेडी है। तो अभी मैंने चीज़ निकाल दिया फ्रिज से और मैं उसको ग्रेट करूँगी। हो जा ये थोड़ी सी ठंडी है मतलब सख्त है फिर से निकाल दिया हो नहीं रही मतलब हेल्प मी हो रही है शुक्र है हो रही है थैंक गॉड आई एम अ जीनियस। यहाँ पे कैबेज लिया मैं उसको ग्रेट कर रही हूँ अब बड़ा मुश्किल काम है ये तो फिर तुम करना तुम्हारे नाजुक नाजुक खा जो ये जल्दी काम करते हैं मैं कर देती हूँ आजा आजा कर ले चलो फलक अब कैबेज करती है तो उतनी देर मैं फिर जो बाकी बर्गर की चीज़ें हैं ना वो देख लेती हूँ कि क्या क्या हमें चाहिए एक जगह कर लेती हूँ मैं चीज़ें फिर बर्गर बनाते हैं। अच्छा अब मैं बर्गर की असेंबलिंग करने लगी हूँ तो सबसे पहले मायोनीज लगाऊंगी डाल रही हूँ जो मैंने सॉस बनाई थी ना वो डाल रही हूँ थोड़ी सी अच्छा तो ये जो सेकंड लेयर थी ना मैंने उस पर भी चिकन रख दिया अब मैं कैबेज डाल रही हूँ कैप्सिकम भी डाल सकते हैं और ककम्बर भी कुछ भी डाल सकते हैं तो अपनी क्रिएटिविटी है मैं फिलहाल यहाँ पे सिर्फ कैबेज डाल रही हूँ और अब मैं इसके बाद इसकी जो फाइनल लेयर है ऊपर वाला बन वो रखूँगी देना फिर और इसके ऊपर चीज़ डालनी है थोड़ी सी अब चीज़ डालने के बाद ये कुछ चिली फ्लेक्स हैं ये डाल रही हूँ अब ये हो गए हैं रेडी और इसको चीज़ मेल्ट करने के लिए ना ओवन में रखना है बस 2-3 मिनट के लिए और तक चीज़ मेल्ट हो जाए और आप पैन में भी इस चीज़ को जो है मेल्ट कर सकते हो। चलो मैं अब ओवन में रखती हूँ जाके इसको तो ये बर्गर चले गए हैं अंदर चीज़ मेल्ट हो जाएगी बस 2-3 मिनट में 2 मिनट के लिए मैंने लगाया है 2 मिनट में चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो फिर रेडी हो जाएंगे बर्गर